ठेका पद्धति कर्मचारी नागपुर भंडारा गोंदिया जिले के अस्पतालों का महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना में शामिल करने हेतु तथा राज्य कामगार बीमा तथा साकोली उपजिला अस्पताल जायजा लेने हेतु सभा का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में मुंबई में किया गया। इस समय स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप व्यास उपस्थित थे। जायजा सभा में नाना पटोले ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व शहरों का रूप काफी विकराल था। इस पर नियंत्रण करने हेतु लगातार कार्य करने वाले 2200 कर्मचारी अभी भी कम वेतन तथा ठेका पद्धति से कार्यरत है। उनकी सेवा नियमित करने हेतु मंत्रिमंडल सभा में स्वास्थ्य विभाग, कामगार विभाग तथा वित्त विभाग के संयुक्त तत्वावधान से सोच विचार किया जाए। इन कामगारों को नियमित करने के बारे में नीति के अनुरूप निर्णय लेने हेतु सरकार सकारात्मक कार्रवाई करेगी, ऐसी जानकारी नाना पटोले तथा राजेश टोपे ने दी। नागपुर भंडारा तथा गोंदिया जिले के अस्पतालों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत शामिल करने के बारे में निर्णय लेने की सूचना नाना पटोले ने इस समय की। भंडारा जिले के साकोली उपजिला अस्पताल को 100 बेड की क्षमता में तब्दील करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की सूचना दी गई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, राज्य कामगार बीमा योजना अंतर्गत आने वाले 3 अस्पताल मुंबई में कार्यरत है, उनमें अद्यावत सुविधा देने की जरूरत है। जो सरकारी इमारतें अस्पतालों के लिए तथा निवास स्थान के लिए है, उन्हें अद्यावत कर मनुष्य बल बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ग्रामीण अस्पतालों में सिविल सर्जन रहना जरूरी है। इस बारे में कार्रवाई करने की सूचना भी राजेश टोपे ने इस समय संबंधित अधिकारियों को दी। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।